अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो, एक्सरसाइज 1.6 का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देख करके आप क्लास 11 एक्सरसाइज 1. के सभी सवालों को समझकर इस एक्सरसाइज का मास्टर बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक एक सवाल को इस प्रकार से तोड़ के बताएंगे कि आप लोगों को जो है कि पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और हम यह जो वीडियो बना रहे हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी समझ सके। और ये मेरा जो कंटेंट है ये बिल्कुल फ्री है, इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि अन्य छात्र भी जो गरीब बच्चे हैं वे भी इस क्लास का लाभ ले सके। तो आप लोग जो है कि इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आप लोगों को जो है कि चैप्टर वाइज जो है आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, सभी को देख करके आप सीरियली तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है कि यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि एन एक्स बराबर 17, एन वाई बराबर 23 तथा एन एक्स यूनियन वाई बराबर 38 और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है। देखिए इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले जो इसमें आपको सूत्र लगेंगे उनको हम आपको बताते हैं, फिर इस एक्सरसाइज के एक एक सवाल को हम देखेंगे। चलिए इस एक्सरसाइज में जो है क्लास 11th हो गया और एक्सरसाइज 1.6 हो गया। अब इस एक्सरसाइज में जो आपको फॉर्मूले यूज होंगे यह होंगे, पहला फॉर्मूला एन ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूले यूज होंगे। उसके बाद देखिए इसी में दूसरे फॉर्मूले जो यूज होंगे, जैसे यूनियन ये है एन ए यूनियन बी, तो अब देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी अगर रहेगा, ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी और ये एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, इस प्रकार से फॉर्मूले होंगे। तो इसी प्रकार से आप एन ए और एन बी का भी मान निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी फॉर्मूले हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब जो है कि एक एक सवाल को देखते हैं। इनका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपने देख लिया है, तो यहाँ पर आपको दिया है कि एन एक्स बराबर आपको 17 दिया है और एन वाई बराबर आपको 23 दिया है और उसके बाद आपको एन एक्स यूनियन वाई बराबर आपको 38 दिया है। उसके बाद देखिए एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान निकालना है व्हाट। तो देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला जानते हैं, तो यहाँ पर देखिए ए के जगह यहाँ पर क्या है एक्स है, बी के यहाँ पर क्या है वाई है। तो देखिए ए के जगह एक्स, बी के जगह वाई है, तो इनको जब हम बनाएंगे एन एक्स इंटरसेक्शन वाई लिखेंगे तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है एन ए, तो देखिए ए के जगह यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर आपको देना है एक्स देना है, तो यहाँ पर लिखना है एन एक्स। उसके बाद देखिए ये प्लस है तो यहाँ पर आप प्लस देंगे। उसके बाद देखिए बी के जगह वाई है तो यहाँ पर आप एन ओ वाई लिखेंगे। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस देंगे, ये फिर एन है एन देंगे। उसके बाद देखिए ए के जगह एक्स एक्स देंगे, ये यूनियन है यूनियन देंगे, ये बी के जगह वाई है तो यहाँ पर वाई देंगे। आप सभी का मान बैठा दीजिए, एन एक्स का मान क्या है 17 है, एन वाई का मान क्या है 23 है, तो यहाँ पर आप 23 बैठा देंगे, ये माइनस है यहाँ पर आप माइनस देंगे और एक्स यूनियन वाई का मान 38 है यहाँ पर आप 38 देंगे। तो देखिए 23 17 क्या हो गया 40, हमें से 38 को घटा देंगे, यहाँ पर आपको 2 निकल के आएगा, यही आपको क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18, x में 8 और y में 15 अवयव हो तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। ये चीज है क्वेश्चन नंबर 2 में कि यूनियन में देखिए 18 अवयव है, x में 18 है और y में 15 है,
और x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे, तो इनका मान आपको निकालना है। चलिए इनको भी हम बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दो में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर दो लिख लेना है और लिखना है दिया है, दिया है। तो आपको क्या दिया है कि x यूनियन y में जो है वो आपको 18 अवयव हैं और x में आपको जो है 8 अवयव हैं और उसके बाद y में आपको 15 अवयव हैं, y में आपको 15 अवयव हैं। तो इनके x इंटरसेक्शन y में कह रहा है कितने अवयव होंगे, व्हाट। अब देखिए इनका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, x इंटरसेक्शन y बराबर क्या होगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई, ये फॉर्मूला होगा। अब देखिए एन एक्स का मान कितना है, एन एक्स का मान 8 है तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे, ये प्लस है तो यहाँ पर आप प्लस दे देंगे। एन वाई तो एन वाई का मान 15 है तो यहाँ पर आपको 15 लिख देना है। उसके बाद देखिए ये माइनस है तो यहाँ पर आपको माइनस लिख देना है। एक्स यूनियन वाई तो देखिए एन एक्स यूनियन वाई में 18 अवयव है तो यहाँ पर 18 लिख देना है। तो देखिए 18 5 कितना होता है, 23 होता है, 18 5 23। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइनस 18 है। तो घटा देंगे तो इसमें से 18 हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा 5, यही इनका क्या हो गया आंसर हो गया और यही निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर तीन है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ये चीज़ है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 जो है हिंदी बोलते हैं, 200 अंग्रेजी बोलते हैं, तो कितने व्यक्ति जो है कि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो देखिए दोनों का मतलब हो जाता है इंटरसेक्शन हो जाता है। चलिए इन सवाल को हम बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सवाल में दिया है क्वेश्चन नंबर तीन में कह रहा है कि 400 व्यक्तियों के समूह में, और देखिए हिंदी और अंग्रेजी कह रहा है, हिंदी और अंग्रेजी, तो हिंदी के लिए हम क्या ले लेंगे, हिंदी के लिए एच ले लेंगे और इंग्लिश के लिए जो है ई ले लेना है। ले लिए, लेने के पश्चात अब देखिए कि हिंदी और अंग्रेजी यानी 400 व्यक्तियों का समूह है, तो समूह जैसे हो गया तो यूनियन हो गया, मतलब एच यूनियन ई बराबर क्या हो गया 400। उसके बाद कह रहा है कि 250 हिंदी, तो मतलब एन एच हिंदी बोलने वाले की संख्या कितनी है 250 है। फिर कह रहा है कि 200 अंग्रेजी, तो एन ई बराबर क्या हो गया 200, एन ई बराबर क्या हो गया 200 अंग्रेजी बोलते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, तो एच इंटरसेक्शन ई यानी इंटरसेक्शन मतलब हो गया कि एच और ई यानी दोनों बोलने वाले की संख्या, एन एच इंटरसेक्शन ई वाला, यही आपको निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। अब देखिए फॉर्मूला का हम यूज करते हैं, जैसे एन ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एन एच इंटरसेक्शन ई देंगे, तो यहाँ पर देखिए ए के जगह एच है और बी के जगह ई है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है एन एच। अब देखिए ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस देना है, एन बी बी के जगह क्या है ई है तो एन ई, ये माइनस है तो माइनस, एन ए यूनियन बी है और यहाँ पर एच और ई है तो एच यूनियन क्या होगा ई होगा, ये हो गया। होने के बाद देखिए कि एन एच का मान कितना है 250 है। उसके बाद देखिए ये प्लस है तो यहाँ पर आपको प्लस दे देना है,
एन ई का मान कितना है, 200 है, तो यहाँ पर आपको 200 दे देना है। ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। और एच यूनियन ई, तो देखिए एच यूनियन ई का मान क्या है, 400 है, तो यहाँ पर आपको 400 दे देना है। तो 250 + 200 क्या हो गया, 450 हो गया। माइनस है तो यहाँ पर माइनस, ये 400 है तो यहाँ पर क्या हो गया, 400। तो 450 में से 400 गया तो क्या बचा, 50। तो यही आपका आंसर हो गया, यानी हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी है, 50 है। तो देखिए कहेगा दोनों, तो आपको क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन, और समूह की जब बात होता है तब क्या हो जाता है, यूनियन होता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि एस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एस में 21, मतलब एस में जो है सेट एस में 21 अवयव हैं और टी में 32 अवयव हैं, और एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हो, इनके इंटरसेक्शन में कितने अवयव हैं, 11 अवयव हैं, तो एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे, मतलब इसके यूनियन में जो है कितने अवयव होंगे। तो एस में 21 हो गया, टी में 32 और इंटरसेक्शन में 11 है। अब की बार आपको यूनियन में कह रहा है अवयव निकालने के लिए, तो पहले हम यूनियन का जो है कि फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर हम बैठा देंगे, उसके अनुसार हम जो है कि मान निकाल लेंगे। तो चलिए आपको जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या सब दिया है और क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो आपको यूनियन कह रहा है निकालने के लिए यानी कितने अवयव होंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया गया है कि एस में 21 अवयव है, एस में 21। अब देखिए एन एस क्यों लिखते हैं, तो ये हो जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस, यानी सेट एस में अवयवों की संख्या, तो इनको हम एन एस से सूचित करते हैं। एन से नंबर हो गया संख्याएं, यानी सेट एस में अवयवों की संख्या 21 हो गया। उसके बाद देखिए फिर क्या है कि टी में 32 अवयव हैं, टी में जो है आपको 32 अवयव हैं। उसके बाद एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हैं, तो यूनियन में कितने अवयव होंगे, एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे, ये है व्हाट। अब इनका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। पहले देखिए ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनियन बी बराबर होता है आपको एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए उसी प्रकार से एस यूनियन टी, तो यहाँ पर एस यूनियन टी बराबर आपको हो गया एन एस प्लस, ये प्लस हो गया और ये एन बी है और बी के स्थान पर यहाँ पर क्या है, टी है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा एन टी। ये माइनस है, यहाँ पर माइनस देना है, ये एन है, एन देंगे। ए के स्थान पर देखिए एस है और बी के स्थान पर क्या है, टी है, तो यहाँ पर ए के स्थान पर क्या देंगे, एस इंटरसेक्शन ये देंगे टी। ये हो गया, होने के पश्चात यहाँ पर देखिए एन एस का मान क्या है, 21 है, ये प्लस है, ये प्लस हो गया। एन टी का मान क्या है, 32 है, ये 32 हो गया। ये माइनस है तो ये यहाँ पर माइनस हो गया। एन एस इंटरसेक्शन टी, इनका मान 11 है तो यहाँ पर आपको 11 हो गया। तो 2 + 1 क्या हो गया, 3, 3 + 2 क्या हो गया, 5, माइनस 11 बराबर क्या हो गया, ये आपको 42 हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो 4 नंबर का आंसर इस प्रकार से ये हुआ। उसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फिर उनको हम जो है कि हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले हम पढ़ लेते हैं। आप लोग देखिए जैसे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप अपने जो है कि कॉपी को पलट के रखिए और कलम ले के बैठिए, बुक नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिए। यहाँ पर जो है हम आपको जो है कि केसी सिन्हा हो गया, डी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया और एनसीईआरटी, ये जो है कि सभी का हम थ्योरी लेके चलते हैं, जो भी हम चैप्टर में पढ़ाने के लिए बैठते हैं। तो आप लोगों को हम थ्योरी में हम इन चारों बुक का जो है कि थ्योरी लेके चलते हैं। एक्सरसाइज अभी एनसीईआरटी का किया जा रहा है और बाद में जो है कि आपको एनसीईआरटी के अलावा जो है कि केसी सिन्हा, उसके बाद आर एस अग्रवाल का सोल्यूशन मिलेगा, उसके बाद आर डी शर्मा का भी हम
प्रत्येक एक्सरसाइज का सोल्यूशन हम चढ़ाएंगे इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि एक्स और वाई दो ऐसे समूह हैं कि एक्स में 40, देखिए एक्स में 40 अवयव है और यूनियन में 60 अवयव है, इंटरसेक्शन में 10 अवयव हैं, तो वाई में कितने अवयव होंगे, वाई में अवयवों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए वाई में अवयवों की संख्या क्या होगी, तो क्वेश्चन को पहले हम लिख लेंगे। यहाँ पर आपको दे दिया गया है, लिखना है गिवन दिया है, इसका हिंदी हो गया कि एक्स में 40 अवयव हैं तो एन एक्स लिखना है, एन से हो गया नंबर संख्या, तो यहाँ पर आपको 40 लिख लेना है और इसके यूनियन में 60 अवयव है, एन एक्स यूनियन वाई ये बराबर क्या हो गया 60, और इनके इंटरसेक्शन में, इनके इंटरसेक्शन में जो है 10 अवयव हैं, इनके इंटरसेक्शन में 10 अवयव हैं। अब देखिए आपको जो निकालना है ये यहाँ पर देखिए एक्स भी है ये है, वाई भी है ये है, तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि वाई में कितने अवयव हैं, एन वाई बराबर कह रहा है वाट, एन वाई बराबर वाट। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एन ए यूनियन हम बी लिखते हैं, इनका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि एक्स वाई के फॉर्म में लेके चला है, तो यहाँ पर एक्स यूनियन वाई जब लिखेंगे तो लिखेंगे एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ऐसे आप लिखेंगे ये फॉर्मूला। अब देखिए अब जो जहाँ पर जिसका जो मान बैठेगा उनको हम बैठा देंगे, तो चलिए तो यहाँ पर आपको दिया है इनके जो है कि यूनियन में 60 अवयव हैं तो 60 दे देना है, उसके बाद एक्स में 40 अवयव हैं तो 40 दे देना है, उसके पश्चात वाई, वाई आपको निकालना ही है, उसके बाद इनके इंटरसेक्शन में 10 अवयव हैं तो यहाँ पर आपको 10 दे देना है, उसके बाद देखिए तो 40 में से 10 गया क्या बचा 30, तो यहाँ पर 40 और माइनस 10 तो यहाँ पर आपको 30 बचा, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस देना है, ये एन वाई है तो यहाँ पर एन वाई देना है। अब देखिए प्लस 30 है इस साइड आएगा तो 60 माइनस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये एन वाई है तो यहाँ पर आपको एन वाई दे देना है। तो अब देखिए 60 में से 30 गया यहाँ पर क्या बचेगा 30, और उसके बाद एन वाई, तो एन वाई बराबर क्या हो गया 30, यही इनका क्या हो गया आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इनको हम पहले पढ़ लेते हैं, कह रहा है कि 70 व्यक्तियों के समूह में, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है 70, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी, तो 37 व्यक्ति जो है कॉफी पीता है, 52 चाय पीता है, 52 चाय पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो होता है दोनों में से कम एगो पेय पसंद करता है, एगो चाय कॉफी पिए या चाय पिए, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, यानी जो व्यक्ति चाय पसंद करते हैं वो कॉफी भी पीते हैं, इनकी संख्या करें निकालने के लिए। जब दोनों की बात हो जाए तब होता है इंटरसेक्शन, इसका अर्थ यह हुआ कि आपको जो है कि इसका इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो चलिए 70 व्यक्तियों के समूह है तो समूह जैसे हो गया तो यूनियन हो गया, और उसके बाद 37 जो है कि कॉफी है तो आपको हो गया कॉफी, कॉफी को हम सी मान लेंगे और चाय पसंद करने वाले को हम टी मान लेंगे। तो यहाँ पर हम जो है लिख लेते हैं, माना चाय पसंद करने वालों का समूह, इनको टी मान लेते हैं, या समूह नहीं देंगे तो चाय पसंद करने वालों की संख्या। अब इनको देखिए समूह को क्या मान लिए हैं टी, यानी चाय पसंद करने वाले के समूह को हम क्या मान लिए हैं टी,
समूह नहीं देंगे, समूच भी दे सकते हैं। उसके बाद कॉफी पसंद करने वालों की इनको हम सी मान लेते हैं। अब यहां पर आपको क्या दिया है कि 70 व्यक्ति का समूह है तो एन टी यूनियन हो जाएगा सी, बराबर आपको 70 व्यक्ति होगा और 37 व्यक्ति कॉफी पसंद करते हैं तो एन सी बराबर आपको हो गया 37। उसके बाद 52 व्यक्ति चाय पसंद करते हैं तो एन टी बराबर आपको हो गया 52। उसके बाद अब जो है कि प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक जो है कि पेय पसंद करता है, ये तो आपको सवाल में ही है। अब आपको निकालना है कि एन टी इंटरसेक्शन सी बराबर व्हाट। अब देखिए तो पहले इनका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी है तो एक जगह आपको टी रखना है, ये इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, और सी की जगह बी है तो यहाँ पर आपको बी की जगह सी रख देना है। अब देखिए एन ए होता है प्लस ए, तो यहाँ पर टी है तो यहाँ पर क्या होगा एन टी, ये प्लस है तो प्लस एन बी, तो बी की जगह यहाँ पर सी है तो यहाँ पर एन सी होगा, ये माइनस होगा एन टी यूनियन सी, ये हो गया। इसके बाद देखिए ये मान आपको निकालना ही है तो टी इंटरसेक्शन सी ऐसे रहने ही देना है। एन टी तो देखिए एन टी का मान क्या है 52 है तो यहाँ पर 52 देना है, ये प्लस है तो प्लस, एन सी का मान 37 है तो यहाँ पर 37 देना है, ये माइनस है तो माइनस, टी यूनियन सी का मान जो है आपको 70 है तो 70 देना है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 2 क्या हो गया 9, 5 3 8 और माइनस आप क्या कर दीजिए 70, तो यहाँ पर आपको क्या बचा 19, यही आंसर हो गया। यानी चाय और कॉफी जो दोनों पसंद करते हैं पीते हैं उनकी संख्या कितनी है 19 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलता है, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, क्रिकेट को भी पसंद करते हैं टेनिस को भी पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, केवल टेनिस यानी एन टी आपको निकालना है किंतु क्रिकेट को नहीं, क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं, तो कितने व्यक्ति जो है कि टेनिस को पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको सिर्फ टेनिस वाले को निकालना है, तो यानी जो व्यक्ति टेनिस को भी पसंद करता है क्रिकेट को भी करता है, तो उसमें जो क्रिकेट को पसंद करता है टेनिस वाले व्यक्ति को उनको छांट देना है। तो देखिए इनको हम कैसे निकालेंगे, सिंपल बात है, पहले है हम निकाल लेंगे कि टेनिस को कितने पसंद करते हैं, उसके बाद आराम से जो है कि हम केवल टेनिस को पसंद करने वाले को हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 65 व्यक्तियों के समूह में है तो क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है साथ में क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन, मतलब दिया है गिवन एन, और टेनिस और क्रिकेट है तो टेनिस के लिए हम टी मान लेते हैं, क्रिकेट के लिए हम सी मान लेते हैं, 65 व्यक्तियों का समूह है यानी दोनों को मिलाकर के टेनिस और क्रिकेट खेलने वाले को लेकर के, तो ये यूनियन हो गया टी यूनियन सी, टी यूनियन सी बराबर आपको हो गया 65। उसके बाद 40 व्यक्ति क्रिकेट एन सी बराबर आपको क्या हो गया 40 हो गया। उसके बाद 10 व्यक्ति जो है क्रिकेट तथा टेनिस दोनों खेलते हैं तो ये इनका इंटरसेक्शन हो गया आपको टी इंटरसेक्शन सी, यानी टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलने वाले की जो संख्या है वह 10 है। अब आपको निकालना है, देखिए सी तो है ही गया क्रिकेट, टी निकालना है एन टी, एन टी बराबर व्हाट, एन टी बराबर व्हाट,
ये चीज है। तो यहां पर जब आप निकालेंगे एन टी यूनियन सी, इनका फॉर्मूला होगा एन टी प्लस एन सी माइनस, अब देखिए टी यूनियन सी है तो इसमें घटेगा इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी, ये चीज घट जाएगा। तो देखिए टी यूनियन सी तो यूनियन यूनियन में आपको 65 व्यक्ति हैं, देख सकते हैं तो यहाँ पर 65 लिख देना है, ये बराबर है तो यहाँ पर बराबर देंगे। एन टी, एन टी आपको निकालना ही है तो एन टी ऐसे रहने के लिए ही देंगे। उसके पश्चात ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस एन सी, तो देखिए एन सी का मतलब यहाँ पर जो एन सी का मान है वह 40 है तो यहाँ पर आप 40 देंगे। ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस, टी इंटरसेक्शन सी, टी इंटरसेक्शन सी 10 है तो यहाँ पर आप 10 देंगे। ये आपको 65 हो गया, ये बराबर हो गया, ये एन टी ये प्लस हो गया, 40 में से 10 गया क्या बचा 30, 30 लिख देंगे। उसके पश्चात 30 को इधर लाएंगे, 65 माइनस 30 बराबर क्या हो गया एन टी, एन टी हो गया। उसके बाद देखिए 65 में से 30 गया क्या बचा 35, ये एन टी हो गया एन टी। यानी टेनिस जो है जो खेलते हैं वो उनकी संख्या आपको जो है कि 35 है। तो अब इसमें देखिए 35 जो टेनिस खेलते हैं तो इसमें से कुछ ऐसे भी टेनिस खेलने वाले हैं जो आपको क्रिकेट को भी पसंद करते हैं, तो शुद्ध रूप से आपको टेनिस खेलने वाले की संख्या निकालना है। तो देखिए इसमें क्या दिया है इंटरसेक्शन एन इन, ये देखिए टी इंटरसेक्शन सी यानी टेनिस और क्रिकेट जो दोनों खेलते हैं उसकी संख्या कितनी है 10 है। तो इसका अर्थ है कि जितने व्यक्ति टेनिस खेलते हैं इसमें से 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं। तो शुद्ध रूप से यानी केवल टेनिस खेलने वाले की जो संख्या निकालेंगे, केवल टेनिस खेलने वालों की संख्या, केवल टेनिस खेलने वाले की संख्या जब आप निकालेंगे तो देखिए आपको क्या करना होगा। जैसे टेनिस खेलने वाले की संख्या कितनी है 35 और 10 व्यक्ति तो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो 10 को इसमें से घटा देना तो क्या बचा 25। तो 25 ऐसे व्यक्ति हैं जो शुद्ध रूप से टेनिस खेलते हैं न कि क्रिकेट, तो यही आपको निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर आठ जो है इनको देखिए, क्वेश्चन नंबर आठ क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आठ है एक कमिटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। एक वो कमेटी है इसमें 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं, तो कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं से कम एक भाषा को बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यूनियन निकालना है। यूनियन अब देखिए 50 व्यक्ति आपको फ्रेंच बोलते हैं तो फ्रेंच के लिए हम एफ ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आठ में जो दिया है यहाँ पर आपको है कि एक कमिटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलता है तो फ्रेंच के लिए हम एफ ले लेते हैं, तो एन एफ बराबर क्या हो गया 50। उसके बाद 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलता है तो स्पेनिश के लिए हम एस ले लेंगे, एन मतलब हो जाता है नंबर, नंबर मतलब संख्या, तो स्पेनिश बोलने वाले की संख्या कितनी है तो वह है आपको 20। उसके बाद कह रहा है कि फ्रेंच और स्पेनिश जो दोनों बोलते हैं उनकी संख्या जो है 10 है, तो दोनों बोलने वाले की संख्या हो जाता है इंटरसेक्शन हो जाता है, यानी फ्रेंच और स्पेनिश बोलने वाले की संख्या 10 है, यानी एन एफ इंटरसेक्शन एस 10 हो गया। उसके पश्चात अब देखिए आपको जो है कि निकालना है कि कम से कम दोनों भाषा में से एक भाषा को जो है कि बोल सकते हैं, तो इनका जो है कि यूनियन निकालना है, यानी एफ यूनियन क्या होगा एस निकालना है, ये आपको निकालना है। तो इनका फॉर्मूला लिख लीजिए, एफ यूनियन एस बराबर होगा एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस, ये होगा। अब देखिए इनको यहाँ पर उतार देना है, एफ
यूनियन एस एनएफ, एनएफ मतलब हो गया 50, यहाँ पर 50 ये प्लस है, यहाँ पर प्लस देना है। एनएस मतलब एनएस का जो मान है 20 है, यहाँ पर आप 20 देंगे। ये जो माइनस है यहाँ पर आप माइनस लिख देंगे। अब देखिए एफ इंटरसेक्शन एस, तो एफ इंटरसेक्शन एस का मान है 10, तो यहाँ पर आपको 10 लिख देना है। तो 50-20 कितना हो गया, 70 हो गया, ये माइनस है तो माइनस, ये क्या हो गया 10, तो 70 में से 10 गया क्या बचा 60, ये क्या हो गया आंसर। तो देखिए यानी 60 व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में कम से कम एक भाषा को बोल सकते हैं। तो यही आपको यूनियन निकालना था जो आपको निकल चुका है। अब देखिए आप लोग संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, टच करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं।